ग्राहकों का विश्वास डगमगाने से 2020-21 में 1.5% आर्थिक गिरावट के आसार, आरबीआई के सर्वे में किया गया दावा। सफल राइट्स इशू ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को फिर बनाया 10 लाख करोड़ रुपए की कंपनी। 11 मई के बाद मार्केट कैप फिर 10 लाख करोड़ के पार। जियो प्लेटफॉर्म्स को 6 हफ्तों में मिला छठा निवेशक। 1.85% हिस्सेदारी के लिए 9,094 करोड़ निवेश करेगी अबुधाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट। अमेजॉन से डील के बाद जियो के लिए खतरा बन सकता है एयरटेल। अमेजन के एयरटेल में $2 अरब के निवेश से बदलेगा देसी टेलीकॉम सेक्टर। अमेजॉन के जेफ बेजोस के साथ टेस्ला के एलन मस्क की तनातनी बढ़ी। ट्वीट करके कहा अमेजॉन के एकाधिकार को खत्म करना जरूरी। टाटा स्काई बदलेगा चैनलों का पैकेज। ग्राहकों को 60 से 100 रुपए तक होगी हर महीने की बचत। डीएलएफ के केपी सिंह 90 साल की उम्र में कंपनी से रिटायर। गुरुग्राम को अपने सपनों का शहर ना बना पाने के गम के साथ कंपनी से विदाई। बायकॉन की एमडी किरण मजूमदार शॉ बनी आई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। सस्ती जीवन रक्षक दवाओं को मुहैया कराने के मामले में मिला है अवार्ड। 2021 का फेसलिफ्ट जीप कंपस अमेरिका में आई नजर। थाईलैंड में 2021 फेसलिफ्ट फॉर्च्यूनर का दीदार। अमेरिकी कंपनी फ्लुएंस ने भारतीय बाजार में उतारी एलईडी टॉप लाइट सीरीज VYPR की नई रेंज। ग्रीन हाउस तकनीकी से खेती को बढ़ावा देने में होगी मददगार।